वेलकम टू माई चैनल दैट गर्ल इन द सिटी। आज की जो वीडियो है ये गजानन मार्केट के ऊपर होने वाली है, बिकॉज आई नो भी दिवाली आई है ना, आप सभी को शॉपिंग करनी होगी। तो आई थॉट क्यों ना मैं उल्लासनगर में रहती हूँ, आपको गजानन मार्केट कैसा है सब दिखा दूँ, साथ ही में जो ट्रेंडिंग कलेक्शन है वो भी। सो लेट्स गो। उल्लासनगर में टोटली 5 कैम्प है, जिसमें से गजान मार्केट जो है कैम्प नंबर 2 में आता है। सो अगर आप स्टेशन से आए हो तो आप ऑटो ले सकते हो, आपसे 20 रुपीज लिए जाएंगे। आपको बस कहना है कि आपको गजानन मार्केट जाना है कैम्प नंबर 2। इस लेन को जो है नेहरू चौक के नाम से भी जाना जाता है। आपको यहाँ से बस राइट टर्न लेना है, शुरुआत हो जाती है गजानन मार्केट। यहाँ पे आते ही आपको बहुत सारे स्टॉल दिखाई देगी, बहुत सारे शॉप्स दिखाई देगी जहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हो। अभी मैं आई थी बस क्रंचीज देखने के लिए, तो मुझे सिर्फ 40 रुपीज में ये सभी चीजें मिल रही थी। आप अगर आप इस मार्केट में आना चाहते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि सुबह के 11 बजे से लेकर रात के 9 बजे के बीच आप आ सकते हो, क्योंकि ये टाइम पे शॉप ओपन रहते हैं। एंड अगर हो सके तो मॉर्निंग में आ जाना, क्योंकि बार्गेनिंग बहुत अच्छी होगी। वैसे तो कभी भी अगर आप मार्केट जाते हो तो अपना बैग साथ में कैरी करना चाहिए, क्योंकि इतनी ज्यादा हम शॉपिंग कर लेते हैं। बट अगर भूल गए तो भी डोंट वरी, क्योंकि यहाँ पे आपको बैग्स में मिल जाएंगे। ये सभी आप जो बैग देखो, इनका स्टार्टिंग प्राइस वॉज 100 to 200 रुपीज। एंड ये जो एथनिक में जो मुझे दिख रहे थे, अच्छी डिजाइन ब्यूटीफुल वे में थी, मेरा तो मन कर रहा था कि मैं सबके सब उठा के लेके जाऊँ। आई वॉज सरप्राइज जब मैंने ये देखा कि जितना ही अच्छा ये मार्केट है उतने ही अच्छे आके लोग भी है, जैसे कि पुलिस अंकल। ये इतने काइंड है, इतने सपोर्टिव एंड हेल्पफुल रहे थे ये वीडियो शूट करने के थ्रू। ये एक्चुअल में शॉप में जाके मेरे लिए परमिशन लेके आए थे, सो दैट मुझे शूट करना अलाव हो एंड मैं ये अमेजिंग वीडियो आप लोगों तक लेके आऊँ। तो अगर कोई वीडियो अगर पसंद आई है तो उसका क्रेडिट तो अंकल जी को भी जाता है, क्योंकि वो इतने हेल्पफुल रहे थे। तो जब मैं मार्केट एक्सप्लोर कर रही थी, मेरा ध्यान पड़ा इस शॉप है जिसका नाम है गुजराती कलेक्शन। एंड ट्रस्ट मी, यहाँ के जो कलेक्शन है वॉज bomb.com। यहाँ की जो प्राइजेस थी ना वॉज अनबिलीवेबल। एंड यही जो ज्वेलरीज यहाँ पे लोग दिखा रहे हैं, इसी ज्वेलरीज के ना मैं ऑनलाइन स्टोर पे काफी ज्यादा पैसे दे चुकी हूँ। सो प्राइस वॉज अनबिलीवेबल। ये झुमके है, सब वेराइटी, ऑल वेराइटीज जो भी चाहिए, कुंदन वगैरह। ये ऑक्साइड के है और ये है अमेरिकन स्टोन। सब वेराइटीज मिलेगी, छोटे से बड़ा, डिस्काउंट के साथ, प्लस 100 रुपीज से स्टार्टिंग है हमारी 500 तक। आगे आ जाइए, ये है डायमंड में। डायमंड में गोल्डन, सिल्वर एंड ऑल कलर्स मिलेंगे। यहाँ पे भी आ जाइए आगे। ये है हमारा वेस्टर्न ईयरिंग, जो वन पीस वगैरह पे ट्रायल्स होते हैं वो सब है। ये यहाँ तक हमारे पास वेराइटी है। ये आगे आ जाइए, इसके आगे बिंदी, सिंगल बिंदीज, फिर है माथा पट्टी। आगे आइए, ये ऑफसाइड में ज्वेलरीज। ये ज्वेलरीज की प्राइस है 450, 150, 250 एंड अलग जो भी है। इससे आगे आ जाइए, ये कॉपर माल जो किधर नहीं मिलता है, जो हमारी शॉप में मिलता है। ये है 250 वाले क्रिस्टल मोती में, क्रिस्टल मोती में, और ये कॉपर है। और इसमें डबल कॉपीज भी आती है, जो नॉर्मल भी है हमारे पास, पर अभी स्टॉक खत्म हो गया है। ये बाकी कॉपर्स के माल है। ये है हमारे पास 2000-3000 के रेंज वाले भी है और 1400 के रेंज वाले भी है। तो इनका प्राइस क्या है? इसका प्राइस है 1500। ओके, इसका प्राइस है 1 ग्राम गोल्ड है। ओके, हम 1 ग्राम गोल्ड भी रखते हैं। ये जो पानी चढ़ता है वैसा है? हाँ, पानी चढ़ता है, जो परफ्यूम वगैरह से भी नहीं खराब होता है, वो क्वालिटी भी है हमारे पास, और उससे लो क्वालिटी भी है। और इधर आ जाइए तो कुंदन वगैरह भी है, ये सब कुंदन वगैरह के स्टॉक भी है हमारे पास। ये देखिए, सिर्फ आजकल कुंदन का रेट मार्केट में चल रहा है कुछ 7000-8000, जो ब्राइडल यूज करते हैं। हमारे पास 22 रेंज का भी है। इसका क्या प्राइस होगा? 2200। ओके, हाँ। और प्लस इसके बाद ये जो बोलते हैं 1 ग्राम गोल्ड भी है हमारे पास, ये 1 ग्राम गोल्ड है। और ये अभी जस्ट न्यू आया है पैटर्न, मंगलसूत्र है। ये मंगलसूत्र है, इसमें अलग अलग वैरायटी भी है, सब कुछ है। नॉर्मल जो लहंगे वगैरह पे पहनते हैं, वन पीस पे पहनते हैं। क्या प्राइस है इसका? 1200 है। 1200, क्वालिटी वगैरह सब बेस्ट है। ये हमारी गुजराती कलेक्शन है, उल्लासनगर 2 नंबर, शॉप नंबर 975 में है। ये देखो, ये सब है, 2200 का है, 22 का है, ये 3500 का है, ये भी 22 का है,
तो ये 3500 का पूरा सेट है। हाँ पूरा आएगा, इसमें बाजूबंद वगैरह सब कुछ आएगा, सब इंक्लूड सब आएगा। वगैरह पे आ जाए तो मारवाड़ी चूड़ा, पंजाबी चूड़ा सब है, मतलब जो भी कास्ट है उन सबके चूड़े हैं। ये 2200 का चूड़ा है ये, और पंजाबी भी है, ये पंजाबी चूड़ा है 1200 ओनली 1200। इसके प्राइस 120 से स्टार्टिंग है, 150 तक बस, ओनली 150 तक। ये चोटी पे लगाने का है, कॉपर का है, 350 का है, कॉपर का है, चोटी पे लगाते हैं बस। इसका प्राइस 750। आई नो अभी तीज त्यौहार दिवाली तो आ ही आई है, बट साथ ही में बहुत लोग शादी करने का भी डिसाइड करने वाले हो गए, तो गोइंग टू बी ब्राइड। मैंने आपको बता दी कि कहाँ है खजाना ज्वेलरी का, तो फटाफट टूट पड़ो इस पर। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि जो रिटेलर्स हैं उनको बता दो कि यहाँ पे होलसेल में भी ये लोग डील करते हैं, तो आपको बेस्ट प्राइस यहाँ पे मिलने वाली है। कई बार जब हम साड़ी बाय करते हैं ना, उसके साथ जो ब्लाउज आता है इट्स नॉट सो ट्रेंडी, बहुत ही सिंपल सा ब्लाउज भेज देते हैं वो लोग उसके साथ। बट कभी कभी लगता है कि क्यों ना चलो हम बाहर जाके एक रेडीमेड ब्लाउज ले ले जिसमें अच्छा खासा पैटर्न होगा, एंड हमें दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है कि कैसे उसको स्टाइलिश बनाना है। सो आई फाउंड दिस शॉप फॉर यू नेम हिना एनएक्स। यहाँ पे आपको डिजाइनर ब्लाउज मिल जाते हैं जिसकी प्राइस की शुरुआत होती है 200 से लेकर 750 रुपये तक, एंड यहाँ पे आने के बाद आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि क्या आपको आपकी साड़ी के हिसाब से मैचिंग ब्लाउज मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि फॉर श्योर मिलेगा। सो यहाँ पे मुझे पता चला कि इनकी एक और शॉप भी है आगे जाकर जिसका सेम नाम है मीना कलेक्शन, एंड वहां पे आपको पटियाला ड्रेस सब कुछ मिल जाएगा। सो मैंने सोचा कि क्यों ना चलो चल के वो भी देख लेते हैं। सो हियर आई एम। If you are the one जिसको कम्फर्ट कपड़े काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं, जगमग कपड़ों से भी ज्यादा, तो बता दो दिस शॉप इज फॉर यू, बिकॉज यहाँ पर रेडीमेड फुली स्टिच जो है आपको पूरा सेट मिल रहा था कपड़ों का, वो भी कॉटन मटेरियल में बहुत अच्छे अच्छे, जिसमें आपको दुपट्टा एंड पैंट वॉज इंक्लूडेड। वन मोर थिंग जो मैंने नोटिस किया वॉज दैट कि उल्लासनगर के जो शॉपकीपर्स है दे आर सो नाइस, वो बहुत ही एकदम टॉलरेटिंग होते हैं, आप उनसे कितने ही कपड़े बोलो दिखाने के लिए वो कभी इरिटेड नहीं होते हैं, दे आर सो वेलकमिंग। एक और चीज़ मैंने जो देखी है, यहाँ पे आपको पटियाला का जो है पैंट एंड जो दुपट्टा है ये भी मिलता है, विच डज नॉट इंक्लूड कुर्ता, ये आपको दो चीज़ मिल जाती है। अगर आप चाहो तो अलग से ब्लैक कुर्ता ले सकते हो, व्हाइट कुर्ता ले सकते हो पे अप करने के लिए, स्टार्टिंग प्राइस वो 750-900 रुपीज़ ओनली। एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि आजकल के ऑनलाइन वाले ज़माने में हमने ऑफलाइन जाके कपड़े दिखना बंद ही कर दिया। यहाँ पे लखनवी चिकनकारी वर्क की इतनी अच्छी अच्छी कुर्तियाँ मिल रही थी, लाइक क्यों मैं हमेशा ऑनलाइन जाके सब चीज़ें देखती हूँ। ये जो कुर्ती आप देख रहे हो इसका जो प्राइस वॉज ओनली 900 रुपीज़, यानी कितना ब्यूटीफुल लगा इतने सिंपलेस्ट वे में। तो इसके बाद जाके मैं निकल गई थी अगले शॉप में, वो था फुटवेयर शॉप। प्राइसेस क्या है इन सबके? ये 500 है, 300 है, 200 है, मतलब पैटर्न वाइज सबके प्राइसेस हैं। और ये सब ब्राइडल कलेक्शन पे आते हैं? सब ब्राइडल में है ना ये सब, ये 500, 600, 450 सब ब्राइडल्स। ये ऐसे हील्स में, वेजेस में, ओके, ये वॉकर्स में, इन ब्राइडल कलेक्शन पे ये सभी है? ये सब ब्राइडल कलेक्शन है, ये सब जैसे सब ब्राइडल कलेक्शन से। इनके क्या प्राइसेस होंगे? के प्राइसेस 350, 400, 600, 500। वो नेगोशिएट होता है ये सब प्राइसेस? जी, नेगोशिएबल, नेगोशिएबल है। हाँ सो आई थिंक अब मेरे साथ आपको पता चल गया होगा कि हम ऑनलाइन शॉपिंग करके क्या क्या मिस करते हैं। अभी तक मैंने आपको बहुत ज़्यादा इंडियन कलेक्शन दिखा रही है, यानी कि एथनिक कलेक्शन दिखा रही है, तो अब है भाई वेस्टर्न वियर की। सो लेट्स गो एंड दिखाती हूँ, एक शॉप है जहाँ की कलेक्शन मुझे हमेशा से पसंद है। Oh.
2430 1590 1120 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
यहाँ पे जो कॉर्ड सेट दिखा है, ऐसे सिमिलर सा कॉर्ड सेट मैंने जायर में भी देखा था, जिसका सिर्फ शर्ट या फिर पैंट का प्राइस वॉज 3,000-4,000 रुपीज़ स्टार्टिंग, एंड यहाँ पे जो स्टार्टिंग प्राइस है कॉर्ड सेट का इज 2,500 रुपीज़। एंड यहाँ की कलेक्शन मुझे बहुत अच्छे लगे। आई डू अग्री कि जो जायर की क्वालिटी इज 10/10, बट ट्रस्ट मी यहाँ की जो क्वालिटी होगी इट वुड बी 8/10, बट ये बहुत ही अच्छे कलेक्शन थे। ये ब्लेजर है पैंट के साथ, क्या प्राइस इसका? 2170 टू पे पैंट। आजकल ऐसे केमी टॉप मैंने देखा है कि बहुत ही हाई इन ट्रेंड चल रहा है, ऐसे शिमर एंड लेदर, स्पेशली इंस्टाग्राम वर्थी पिक्चर्स के लिए अगर आप चाहो तो इसे ले सकते हो, या फिर चाहो तो अपने फर्स्ट डेट नाइट पे पहन सकते हो अगर आप इतने कॉन्फिडेंट एनाफ हो इन्हें कैरी करने के लिए। इनका प्राइसेस वाज ओनली 1,500 रुपीज़, डिपेंड करता है कि आप कौन सा केमी टॉप यहाँ से बाय कर रहे हो। ऑल्सो विंटर्स अराउंड द कॉर्नर, तो मैंने देखा कि इनके पास जैकेट के बहुत अच्छे कलेक्शन थे, बहुत ही ब्लिंगी एंड फैशनेबल तो थे ही, साथ में बहुत डेनिम वाले लेदर वाले कलेक्शन भी थे। लास्ट टाइम मैंने कुछ इस तरह का जैकेट बहुत लोगों पहनते हुए देखा था विंटर सीजन में। इसका प्राइस जो था ऑनलाइन तो कुछ काफ़ी महंगा था, बट यही जैकेट यहाँ पे मुझे मिल रहा था 980 रुपीज़ में। एंड यहाँ पे जो डेनिम अवेलेबल थे उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी थी, कुछ डेनिम ऐसे होते जिनको हाथ लगाते समझ में आता कि इनकी क्वालिटी प्रीमियम होगी। अब इतनी ज़्यादा मैं सब चीज़ें देख चुकी थी कि मेरा भी मन कर रहा था कि आप सिर्फ देखना नहीं है, कुछ तो ट्राई कर लेते, कुछ तो बाय भी कर लेते, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे इनके पास कलेक्शन थे वन पीस के भी। सो मैंने यहाँ पे ट्राई करना चालू कर दिया। द मोमेंट मैंने शॉप में एंटर किया था मेरी नज़र पड़ी थी ब्लू कलर की ड्रेस में, आई थॉट कि ड्रेस तो मुझे ट्राई करनी है क्योंकि एकदम सिंपल तो है ही, पर इस पर जो शाइन है वो बहुत ही एलिगेंट लुक दे रही है, बहुत ही कंफर्टेबल भी लग रही थी, तो आई लव इट। उसके बाद मैंने सोचा कि थोड़ा कंफर्ट जोन के बाहर जाके कुछ और ट्राई करते, तो मैंने ये ड्रेस ट्राई की थी जिसकी मोती वर्क मुझे बहुत अच्छी लगी थी। एंड ये ग्रीन कलर की ड्रेस जो थी कंफर्ट तो थी, बट एट द सेम टाइम इसमें जो ऐसे प्लीट्स वाले काम किए गए ये बहुत ही अच्छा लगा था। आई कैन इमेजिन माई सेल्फ वेयरिंग दिस ड्रेस इन दुबई, एंड ये बहुत ही मस्त लगी थी डिजाइनर टाइप। आई नो इतने अच्छे अच्छे कलेक्शन देखने के बाद आप सभी लोगों का मन करेगा शॉप पे आने का, इसके लिए मैंने इस शॉप के ओनर से कॉन्टैक्ट डिटेल ले लिया आप सभी लोगों के लिए। एंड वन मोर थिंग टू रिमेंबर इज दैट कि उल्लासनगर का ये जो मार्केट है ये ट्यूजडे को यानी कि मंगलवार को बंद रहता है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट में एक शॉप पे थी जिसका नाम था ओम कलेक्शन, एंड इनके कलेक्शन मुझे बहुत ही हटके लगे। धोती टाइप पैंट एंड एम्ब्रॉयडरी की हुई जो टॉप की जो आउटफिट यहाँ पे मिल रही थी बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में थी, बिटवीन 1,000-2,000 के बीच में था। बांधनी पेंट में भी यहाँ पे कुर्ती अवेलेबल थी जिसका प्राइसिंग वॉज 700 रुपीज़ स्टार्टिंग। वेडिंग के लिए बहुत ही अच्छे कलेक्शन यहाँ पे अवेलेबल थे, प्राइसिंग वॉज 1,000-2,000 रुपीज़ के बीच में। उसके अलावा मैंने यहाँ पे देखा कि गोटा पट्टी काम किया हुआ यहाँ पे बस प्लाजो एंड जो है कुर्ती का सेट मिल रहा था स्टार्टिंग प्राइस 1,000 रुपीज़, एंड जो डेली वेयर में पहनने के लिए इतना अच्छा बियर वर्क की हुई कुर्तियाँ भी मिल रही थी। वेडिंग के सीजन में जो भी फंक्शन होते हैं जैसे कि मेहंदी संगीत, उसमें कुछ इसी टाइप के मैं आउटफिट पहनना पसंद करूँगी जो कि कंफर्टेबल तो होगा ही, बट एट द एंड उसमें थोड़ा बहुत ऐसे ग्लैमरस भी कुछ चीज़ें हो जैसे कि एम्ब्रॉयडरी या मिरर वर्क, तो बहुत ही हटके लगता है। एक्चुअली ये ओकेशन फिट लगता है, फेस्टिवल फिट लगता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे जो भी आउटफिट मिल रही थी इसके साथ में ये पैंट एंड ये जो दुपट्टा था वो भी मिल रहा था इंक्लूडेड था। इन सबकी जो प्राइजेस थी बिटवीन 1,500-2,000 रुपीज़ थी हार्डली, एंड साथ ही में नेगोशिएट हुआ था तो बहुत अच्छी डील में मुझे मिल रहे थे सभी चीज़ें। द बेस्ट पार्ट इज यहाँ पे जो भी आप ड्रेसेस देख रहे हो इनमें एक ही कलर अवेलेबल नहीं था, इनके पास कलर ऑप्शंस भी अवेलेबल है, तो इनके से अगर आपको कोई पैटर्न पसंद आता है कोई डिज़ाइन पसंद आता है बट उसका कलर अगर पसंद नहीं है तो आप उनसे पूछ सकते हो कि कोई और कलर में है क्या, क्योंकि उनके पास फॉर श्योर होता है वो सभी चीज़ें अवेलेबल। तो इस
इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि ये जो गजानन मार्केट है बहुत ही बड़ा है ना। अभी मैंने आपको गजानन मार्केट के एक्चुअल में अंदर साइड मार्केट में नहीं लेके गई हूँ, क्योंकि मेरा वीडियो बहुत लंबा हो जाता। सो अगर आप इसका सेकंड पार्ट देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं सेकंड पार्ट बना दूंगी। बट अभी के लिए वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो पता है ना क्या करना है, एक लाइक एक कॉमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके, तो अभी के लिए मैं वीडियो एंड करती हूँ, मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक के लिए लॉट्स ऑफ लव। अगर गजानन मार्केट को लेकर अभी भी आपके कोई क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूँगी पार्ट टू में उसे आंसर कर दूँ। तो ये वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि गजानन